लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे पार्टियां अपने घोषणा पत्रों से लोगों को लुभाकर वोट मांग रही है, लेकिन हकीकत में वो वादे पूरे हो भी पाते हैं या फिर नहीं, ये धरातल पर जाकर ही पता चलता है। अब हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो बेहद गंभीर मुद्दा है। चंबा के विधानसभा क्षेत्र चुरहा के ऑयल पंचायत के लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजाना पानी के तेज बहाव में लपेट नाले को पार करते हैं। कई बार यहां पर हादसे भी हो चुके हैं। महिलाएं, बुजुर्ग या फिर स्कूली बच्चे हों, सभी को इस पानी के तेज बहाव वाले लपेट नाले के साथ दो चार होना पड़ता है। दरअसल करीबन 8 महीने पहले बरसात के वक्त दो पंचायतों के रास्ते में आने वाले 3 पुल बह गए थे। उसके बाद न तो सरकार ने न प्रशासन ने इन पुलों को दोबारा बनाने की जहमत उठाई। जयराम सरकार के दावे यहां पर फेल हुए हैं। देश की आवाज में ये मुद्दा आज हमने इसलिए उठाया है क्योंकि बेहद गंभीर ये मुद्दा है और जान जोखिम में डालने वाला ये मसला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना तेज बहाव होता है और इस तेज बहाव में ही बुजुर्गों को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, महिलाओं को, सभी को इस लपेट नाले से होकर गुजरना पड़ता है जो कि चंबा विधानसभा क्षेत्र की चुरहा जगह है, वहां पर ये नाला है। आज के बड़े सवालों की बात करते हैं। जयराम सरकार के दावे फेल हुए हैं। जी हाँ, इस तस्वीर के आगे सरकार के सारे दावे झूठे हैं। क्या यही है जयराम सरकार का विकास? जिस विकास का वादा जयराम सरकार की ओर से किया गया था, क्या यही वो विकास है? नाले में देश का भविष्य, क्या सो रही है सरकार? ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। क्या नौनिहालों की जान इतनी सस्ती है कि यहाँ पर पुल बनाने की जहमत नहीं उठाई जाती? विकास के झूठे दावों पर क्या कहेंगे आप, जरूर हमें बताइए कार्यक्रम में जुड़कर। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, क्या उन्हें ये तस्वीरें नजर नहीं आती? आज के बड़े सवाल हम आपको बता रहे हैं। जयराम सरकार के दावे यहाँ पर फेल हुए हैं और इन तस्वीरों के आगे वो सारे दावे हवा हो जाते हैं जिन दावों को चुनावों से पहले किया जाता है, और जमीनी हकीकत जो है कुछ और ही निकल कर सामने आती है। हिमाचल का ये बेहद गंभीर मसला है। क्या जयराम सरकार का यही विकास है जिसका वादा जयराम सरकार की ओर से किया गया था? एक साल पहले जब सरकार बनी थी तो तमाम जो दावे हैं वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा जाकर बीजेपी ने किए थे, लेकिन बावजूद इसके अब परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जो है उनके जहन में क्या ये मुद्दा नहीं है? हालांकि बार बार जो है वो पुल बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मांग जो है पूरी नहीं हुई है। स्कूली बच्चे जो कि देश का भविष्य है, अगर वो इस तरीके से नाले को पार करते हैं तो इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कभी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता है तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पुल बनाने की जो मांग है उसके आगे अब ग्रामीण बेबस हो गए हैं, क्योंकि मांग वो लगातार करते हैं लेकिन मांग कभी पूरी नहीं होती। तो आज के जो बड़े सवाल है वो भी लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन करके अपनी बात हम तक पहुंचाइए और बताइए कि आखिरकार आपको क्या लगता है। कार्यक्रम में जुड़कर हमें जरूर बताइए कि क्या परिवहन मंत्री को ये तस्वीरें नहीं दिखती, किस तरीके से स्कूली बच्चे इस लपेट नाले को पार कर रहे हैं वो आपके सामने है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही है उस नाले की, और कितना तेज बहाव है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक सीधा सा सवाल इस खबर से निकलकर सामने आता है कि जो दावे चुनाव से पहले किए जाते हैं कि पहली कलम से ये चीज करेंगे, पहली कलम से आपके लिए ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, वो पहली कलम से क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि एक साल हो चुका है हिमाचल की जयराम सरकार को, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जो हैं, क्या उन्हें ये तस्वीरें नजर नहीं आती? आज के बड़े सवाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। कार्यक्रम में आप भी जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। तो विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लपेट नाला पार कर रहे हैं, जो कि लपेट नाला है, ये किसी को अपने लपेट में भी ले सकता है, क्योंकि जब तेज बहाव होता है तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है।
विकास के इन झूठे दावों पर क्या कहेंगे आप? आज के सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए फ्लैश किए जा रहे हैं। जयराम सरकार के ये दावे हैं जो अब फेल साबित हो रहे हैं, और आप भी कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी आवाज को देश की आवाज बनाइए। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंबा के चुराग क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये नाला पार किया जाता है। लपेट नाला इसका नाम रखा गया है, और किसी को भी अपने लपेटे में ये नाला ले सकता है। जिस तरीके से तेज बहाव जो है वो आप देख सकते हैं इस नाले का, लेकिन मजबूर हैं ये ग्रामीण, क्योंकि इस ओर से उस ओर जाने के लिए इन्हें इसी नाले का इस्तेमाल करना होता है और इसी से गुजर कर जाना पड़ता है। तो लगातार सवाल भी फ्लैश किए जा रहे हैं। शेखर कार्यक्रम के पहले दर्शक यूपी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है शेखर आपका। ये तस्वीर देख के हमें ये लग रहा है कि हमारा मतलब आजकल के युवा छोटे बच्चे जो हैं और उनके माता पिता एक संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। कहाँ ये देश जो है बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, कहाँ जो है सेटेलाइट की बात कर रहा है, कहाँ जो है विकास के आधुनिक दावों की बात कर रहा है, कहाँ एक जो जमीनी हकीकत है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम 500 साल पुराने या 1000 साल पुराने किसी युग की कल्पना में जी रहे हो। तो एक सरकार की बहुत बड़ी बात है, और हमें तो ये देखना चाहिए, आप चुनाव चल रहे हैं, देश के विकास में कोई बात नहीं कर रहा है बीजेपी और ना कांग्रेस के राहुल गांधी और राजीव सरकार, कोई विकास बात नहीं है। बच्चों की तो कोई चिंता ही नहीं है, बच्चे महिलाएं तो इनकी मतलब मैनिफेस्टो से इसके घोषणा वादों से गायब है सिर्फ, और अपनी राजनीति की अपनी इसने इसको बुरा था, इसने ना महिला सुरक्षा की ना बच्चों की बात, क्योंकि ये वोट बैंक छोटे बच्चे तो वोट बैंक में किसी कोई गिनता ही नहीं है। और आप महिला सुरक्षा में इतने 3 तलाक का बिल है या जो शोषण हो रहा है उसका बिल है। अब ओवैसी जो है अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी पार्टी की रोमाना एसआर का सारा खान शादी कर रहा है, कोई पार्टी नहीं बोल रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और सारा खान इंजना का शक्का लाती है। तो ये सब बातें बहुत गलत हो रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखर। सिरसा से बलदेव कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है बलदेव आपका। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जी कि ये तो हिमाचल में क्या यहाँ हरियाणा में भी यही हाल है। यहाँ सरसा के अंदर एक गगर नदी टपकी है, उसमें एक तो इसमें बूढ़ा बाणा के पास पुल बनना चाहिए, लोग बड़े दूर होती है। कुत्तावट के अंदर मुख्यमंत्री ने आज से 3 साल पहले उसका वो किया था, पर आज तक उसमें 1 इंच भी नहीं लगी। इसी तरह आगे तलवाड़ा के अंदर वहां अगर पुल बन जाए तो लोगों को 20-30 किलोमीटर का फायदा होता है, पर ये जो खट्टर सरकार है ये कुछ नहीं कर रही। इसमें सारा का सारा दोष सरकार का है जो इन चीजों को ध्यान न देके ये बस वोटों के चक्कर में पड़े रहते हैं भाई किसको ये दें, अपने आरक्षण किसको दें किसको न दें, कहां से वोट हमें ज्यादा मिलेंगे। तो ये कांग्रेस तो मुस्लिम वर्ग को खुश करने लगी रहती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलदेव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चंद्र प्रकाश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है चंद्र प्रकाश आपका। देखिए मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबेरे मैंने जब व्हाट्सएप चेक किया तो उसपे लिखा एक बंदे ने क्या किया, अपनी पत्नी के जेवर बेच करके और गांव में बांस का पुल बनवा के दिया ताकि बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो विद्यार्थी सुगमता से और बुजुर्ग आदमी जो है वो सुगमता से उस पुल से निकल जाएं। ये भावना हमारे देश की है, परंतु मैडम बड़ी विनम्रता से मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी ने ये कहा कि 72,000 रुपए हम देंगे गरीबों को, ध्यान से सुनना मैडम, उन्होंने कहा कि 72,000 देंगे परंतु एक हिस्से में कितने आएंगे 18 रुपए। और कल उन्होंने ये कहा कांग्रेस पार्टी ने कि जो हम 72,000 रुपए देंगे वो मिडिल क्लास से टैक्स बढ़ा करके हम पैसा देंगे। तो ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये वो करते हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे भैया, लगा तू लगावे तेरी मैया।
ये अपनी जेब से कुछ नहीं करते, आप पार्टी फंड से क्यों नहीं देते गरीबों को? अगर आपको इतनी गरीबों की चिंता है तो अपनी पार्टी फंड से दीजिए। मिडिल क्लास तो पैसे पहले ही मरी पड़ी है, और आप वो टैक्स बढ़ा करके और जो उनसे आप 72,000 रुपए गरीबों को दोगे, ये न्याय संगत बात नहीं है। इस तरह से मैडम ये अपनी राजनीति करते हैं, जो कि गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मदन यूपी से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है मदन आपका। हेलो जी मदन, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। मैडम दिलबर जैदी बोल रहा हूँ, दिलबर जैदी जी। दिलबर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप, राय दीजिए अपनी। जी मैडम, ये मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपके चैनल पे देख रहा था मैं कि मोदी जी जगह जगह कह रहे हैं कि देश देश मतलब सेना 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 से मैंने हमने ये कर दिया कि ये हमने आतंकवाद को ये जवाब दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, सेना तो मतलब है पूरी, अपने हमारी जो सेना इतनी ताकतवर है वो किसी भी देश को मतलब अगर हमारे देश की तरफ आंख उठाता है वो सेना उसे जवाब देने में सक्षम है सेना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी मतलब इन्हीं बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं कि जो ये जो आप दिखा रही हैं, या उनको ये नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ एक इस तरीके का भाषण ना देखें, अगर वे रोजगार या विकास देखें तो ज्यादा बेहतर। जो आम जनता है, आम जनता को विकास के बेस पे चुनाव लड़े, आम जनता को इन जो आप चीज दिखा रही है कितनी मतलब आप ये देख रहे, हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है कि एक स्कूल के बच्चे एक नदी पार करके जा रहे हैं, अगर ये लोग खुदा ना खास्ते गिर जाए तो इनका इसका जिम्मेदार कौन है? क्या देश की सरकार इसके जिम्मेदार नहीं है? या सिर्फ हम इस तरीके भाषण देना ही बेहतर है कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे? ये कम से कम इन लोगों को जितने भी जहाँ पर जिसकी सरकार है जिसकी गवर्नमेंट है उनको ये दिखाइए, उनसे कॉन्टेक्ट करिए कि ये क्या हो रहा है। ये अगर कोई बच्चा किसी का हादसा हो शिकार हो जाता है, हादसे का शिकार हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है मैडम? दूसरी बात, एक आजकल के जमाने में सबसे जो अहम मुद्दा है वो स्कूल कॉलेज का है। कोई इस बात पे, कोई सरकार इस बात पे क्यों नहीं बोल रही कि हम जो स्कूल की लिमिट है, जो आजकल गरीब बच्चों का पढ़ना इतना मुश्किल काम हो गया है, इसको आसान क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर देश के राजनीतिक लोग जो गरीब है इसके लिए सोचे, ना कि मतलब सिर्फ अपनी उल्टी सीधी भाषा के तौर पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और पब्लिक आ रही है इन बातों में, पब्लिक को ना आके पब्लिक को ये चाहिए कि हमारा विकास कौन कर सकता है? अब कितनी शर्म, अब बच्चे मतलब अपनी कमर पे लात लात के एक दूसरे को मतलब क्रॉस करवा रहे हैं नदी। अब ये बताए क्या है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आजाद देश में रह रहे हैं, लेकिन इस तरह की ये विकास ना करके लोग बाग अपने सिर्फ एक रोजी रोटी का देखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलबर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राम सचदेवा कार्यक्रम के अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं, स्वागत है आपका राम सचदेवा। नमस्कार जी। नमस्कार। ये देखते ही ये छोटे छोटे जो हमारा कल का भविष्य है, इतने नेत्र नारे जो जिस सिंह हम देखते परेशान है, या हैरान हो रहा हूँ या डर रहा हूँ, तो वो बच्चे कैसे पास करते होंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास कर, ये क्या विकास है? जो हमारे आने वाला कल का भविष्य है, अगर इनमें से एक बच्चा भी चला गया या वो हो गया तो ये कैसे स्कूल जाते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे? क्या पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका स्कूल में भी जाना बहुत जरूरी है? और ये क्या क्या ये विकास नहीं, विनाश हो रहा है। इन बच्चों की जिंदगी से खेला जा रहा है। सबसे ज्यादा भाई ये बार कहता हूँ, आज इतना मन दुख है ये सीन देख के, और जिनका सीन देख के मन में दुख हो सब कुछ, तो इन बच्चों पर क्या हाल होगा ये मैं समझ नहीं सकता। ये किस चीज की सरकार बनी है? कल इस तरह तो कहते वोट पाएंगे हम ये करेंगे वो, ये हमारी सरकार बनेंगे तो विकास करेंगे, ये विकास नहीं विनाश हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सचदेवा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है, आप भी जुड़िए और बताइए। रमेश फतेहाबाद से अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है रमेश आपका, कहिए क्या कहोगे इस गंभीर मसले को लेकर। रमेश आवाज मिल पा रही आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो जयराम सरकार के दावे फेल हो रहे हैं, आज के बड़े सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। रमेश कार्यक्रम के अगले दर्शक पलवल से जुड़े हैं, स्वागत है रमेश आपका। पलवल जी। रमेश मैडम जी, एक तरफ तो कहते हैं कि ये हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे जी, अब ये बुलेट ट्रेन चल रही है, ये बच्चे जो आज के बच्चे हैं कल का भविष्य देश का,
ये नाले में गिर जाए फिर क्या होगा इनका? आप ही देखिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। राहुल यूपी से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है राहुल आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। जी मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार कोई भी किसी भी सरकार हो लेकिन सब वादे करते हैं लेकिन जमीनी स्तर का हाल कोई नहीं देखता है। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस तरीके से जो आप चैनल पे आ रहा है दिखा रहे हो इस तरीके से बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अभी एक बच्ची गिरी है 2-3 दिन से उसको जो है निकाला जा रहा है लेकिन निकाल नहीं पा रही टीम बहुत ज्यादा जो है। अब सोचो कि कितने बड़े हादसे हो रहे हैं लेकिन बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार किसी की भी हो चाहे मोदी की हो चाहे कांग्रेस की हो और कोई जमीन का स्तर का काम नहीं होता है इसलिए जो है पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। जी मैडम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबरों पर आप भी फोन कर सकते हैं और अपनी आवाज को देश की आवाज बना सकते हैं। गुड़गांव से मलिक कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है मलिक आपका, कहिए क्या कहोगे? मैम जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैम जी मैं यो कौन था? जी हाँ मैम जी मैं यो कौन था जो आपका चैनल है? जी जिस चैनल से आप बोल रहे हो आप इस चैनल को चला रहे हो क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे क्या कह रहे कहना मैं हूँ फिर तो वो आपके चैनल को भी कह देंगे भाई चैनल भी मैं हूँ। मैडम मैं रोज देखता हूँ 20-20 साल की लड़की 10-10 साल के बच्चे जो ना कागज चुप जान रहे हम बात करते हैं आजादी की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हिसार से हेमा कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ी हैं, स्वागत है हेमा आपका, कहिए क्या कहोगी? हाँ मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि हमारे देश को इतने साल हो गए याद हुए अभी भी 4 दशा है हमारे देश की। हाँ जी जी तो मतलब सब लोग वोट की राजनीति है ये और कुछ नहीं है। देखो बच्चे कैसे मतलब किस तरह से परेशान हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इस तस्वीर के आगे सरकार के सारे दावे फेल हैं। क्या यही जयराम सरकार का विकास है? ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। नाले में देश का भविष्य यहां नजर आ रहा है लेकिन सरकार पर यह सवाल है कि क्या सरकार सो रही है? जो दावे जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले क्या वो पूरे नहीं होंगे? हिमाचल के मंडी सरका घाट से नागेंद्र सिंह नेगी कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है नेगी जी आपका। सिंहम जी नमस्कार। मैडम ये तो आप जो दिखा रहे हैं ये अब पानी का बहाव इतना तेज होता है इन नालों का कि इससे कई मेगावाट पावर हाउस का पावर हाउस चलाया जा सकता है जी। और अफसोस इस बात का है कि डिप्टी स्पीकर हंसराज जी की ये कार्यक्षेत्र है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और क्या वहाँ पर ग्राम पंचायत के प्रधान को पैसा नहीं मिलता? क्या वहाँ पर विधायक निधि नहीं है? क्या एमपी फंड नहीं है? क्या जिला परिषद और बीडीसी के पास पैसा नहीं है? इसका टेम्परेरी कोई समाधान किया जा सकता था और अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगी है। कहाँ पर चुनाव आचार संहिता किसी की जान लेने के लिए कहती है? जरा सी चूक हो जाए तो वो बच्चा कोई नहीं बचा सकता उसको क्योंकि इतना तेज पानी का बहाव होता है इन नालों का। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी पानी और ज्यादा तेज होगा और ये इतना माइनस टेम्परेचर होता है इसका कि इसमें आदमी 5 मिनट जो है हाइपोथर्मिया हो जाए अगर इसमें कहीं भीग जाएगा उसको बचा नहीं सकते आप। सरकार कहती है उठो जागो पढ़ो आगे बढ़ो तो क्या ऐसे? और हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों ऐसे सड़ी गड़ी लकड़ी के पुराने पुल हैं जो कि दूर दराज क्षेत्रों में बने हैं जहां पर कि हमारे बच्चे नौजवान यहां तक कि गाड़ियां उन लकड़ी के पुलों के ऊपर से क्रॉस होती हैं उनको बताने की जहमत नहीं है सरकार उठाती। सरकार को चाहिए कि ऐसे पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्वे करवाया जाए दूर दराज क्षेत्रों में और जहां जहां ऐसे सड़े गए लकड़ी के पुल हैं जिनके बहने का अंदेशा है जिन पर खतरा है और हो रहे हैं हादसे लगातार होते रहते हैं
कई बहुत कम जो आपके टीवी चैनलों पे आते हैं, अखबारों में थोड़े बहुत आ जाते हैं, अदरवाइज सुनने वाला कोई नहीं होता। कैसे कहूं कि मुल्क के हालात बदले हैं, जुल्म जो करते थे वो सिर्फ हाथ बदले हैं, सुना था कि सब कुछ बदलेगा तुम्हारे आने से, किसी का कुछ नहीं बदल रहा है, तुम्हारे तो ठाठ बाट बदल रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी जी आपका बुलंद आवाज में अपनी बात रखने के लिए और अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है जिस तरीके से विचार अपने रखे जा रहे हैं और इस तरीके की जो चीजें देखने को मिल रही है, ये जो नाले हैं जहां से अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को गुजरना पड़ता है, बुजुर्गों को गुजरना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या परिवहन मंत्री को ये तस्वीरें नजर नहीं आती? क्या जयराम सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव से पहले वो दावे अब फेल हो गए? करनाल से योगेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है योगेश आपका, कहिए क्या कहोगे? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी। मैडम कहना क्या है इसमें, तो मतलब कि जब पिछली सरकार हो, अगर पिछली सरकार ने काम करा होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, क्योंकि पिछली सरकार भी जिम्मेवार है। इसमें ये नहीं कह सकते कि मोदी मोदी जिम्मेवार है, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस भी सरकार रही है या दूसरी पार्टियां भी रही है। लेकिन जैसे ही जो धोखे दिए थे कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने, अब विश्वास करके मोदी पे करा था कि भी हम काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लेकिन ईमानदारी से कहां से काम हो रहा? बच्चे भविष्य इतना खतरनाक पे जा रहा है, अगर थोड़ा सा भी पैर फिसल गया, पानी में से छोटा अगर पहाड़ से ही पैर फिसल गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेवार होगा? फिर काम पे कार्रवाई हो जाएगी या कोई दे देंगे कि लोग 5 लाख 10 लाख रुपए दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा? लेकिन वो पुल नहीं बना सकेंगे हम, ब्याज वो दे सकते हैं। और एक दूसरी बात ये है कि मैडम पैसे खर्च करने के लिए, एक न्यूज चैनल पे देख रहा था 12-13-14 जने पकड़े गए, जिसमें एक कांग्रेस का भी था, आप पार्टी का भी था, और जिसमें से सबसे ज्यादा भ्रष्ट 13-12 जने बीजेपी के निकले। अरे ये 5-5 करोड़ रुपए उसमें लगाने के आ जाते हैं चुनाव में, 15-15 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन 1-2 करोड़ रुपए हम पुल बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं कर सकते। तो ये बताओ जो एमए बीए करे हुए बच्चे हैं वो कहाँ पे जाएंगे? और एक सबसे बड़ी गलती तो ये हमारे नेहरू की है, क्यों ये इस टाइम नेहरू बैठे ना तो वो काम करने दे रहे हैं, ना पुल बनाने दे रहे हैं। ये बेचारे मोदी करे तो करे क्या, क्या क्या करे मोदी जी? पाकिस्तान में जाके उनको मार के आए, पुल बनाए, क्या करे? ये नेहरू का सबसे गलत काम है, नेहरू को हटाओ यहाँ से सबसे पहले। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। मंगल सिंह जबलपुर से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है मंगल जी आपका। अरे ये देख रहे हैं कि इतने पार्टी ये सब नेताओं की बातों में जनता जो आ जाती है, क्यों इनसे इतना ज्यादा विवाद उठ जाता है, काम क्यों नहीं करते ये नेता लोग? ये हेलो जी जी मंगल जी, ये पूछ रहे थी इतना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तो लगता है संपर्क नहीं हुआ है। तो आज के जो सवाल है वो लगातार आपको बताए जा रहे हैं, जयराम सरकार के दावे जो है वो फेल साबित नजर आ रहे हैं, जो दावे चुनावी वक्त में किए जाते हैं वो दावे पूरे क्यों नहीं होते, ये भी एक बड़ा सवाल जो है निकलकर सामने आता है। ये जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के आगे सारे दावे फेल हो जाते हैं। और जयराम सरकार ने जो चुनाव से पहले वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए? क्या परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को तस्वीरें दिखाई नहीं देती? ये भी एक बड़ा सवाल था, जनता कहीं ना कहीं परेशान है। और किसी का कहना था कि अगर देश का भविष्य नाले में है तो कैसे उन्नत होगा देश।